अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज शहर बीदर में जेडीएस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी विंग की तरफ से हमारे जो रियासत के हम जेडीएस पार्टी की तरफ से जो रियासती सतह पर बीदर की सीनियर लीडर्स को जो सम्मान दिया गया है, जो ओहदे दिए गए हैं, वो काबिले तारीफ है। इस मौके के ऊपर बीदर जिले की माइनॉरिटीज की तरफ से हम जो सुना हमारे श्रीमान बंडप्पा कासिमपुर साहब का और कुमार स्वामी साहब का और हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है सीएम इब्राहिम साहब का, बीदर की जनता की तरफ से हम आभारी हैं, धन्यवाद कहते हैं कि बीदर की जनता के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के दिमागों में हमारे डेवलपमेंट के लिए सोच और विचार है। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी मौके के ऊपर हमारे माइनॉरिटी विंग की तरफ से नबी कुरैशी साहब की सदारत में, जो बीदर जिले के माइनॉरिटी के सदर है जेडीएस के, इनकी सदारत में ये प्रोग्राम रखा गया है, सम्मान प्रोग्राम। जिस तरह हमारे अलिंजन मठपति मैडम है, जिनको रियासती वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया है जेडीएस का, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी बात है हमारे बीदर की जनता के लिए। और एक महिला के लिए जो इनकी जो सीनियरिटी मैडम के जो खिदमत थे कई जमाने से, वो खिदमत यकीनन जो है सुना इंसान के अंदर वो चीज सब्र और तहम्मुल होना बहुत जरूरी है। मैडम ने इतने सालों से पार्टी के साथ पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, कदम से कदम मिला है, मसाइल और मुश्किलों को पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैडम को पार्टी ने जो सुना उनकी मेहनत और उनके इकदाम और उनके सबर का जो सुना सही फैसला हुआ है। और हमें भी इस बात की खुशी है कि एक सीनियर मोस्ट लीडर को बीदर के डेवलपमेंट के लिए चुना गया है। और मैडम बड़े ही सीनियर है और तजुर्बेकार है, काबिल है। हमें ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर मेहनत करके कर्नाटक में जेडीएस की सरकार बनाएंगे, कुमार स्वामी साहब के और बंडप्पा साहब के हाथ मजबूत करेंगे, ताकि बीदर रियासत कर्नाटक का एक बैकवर्ड एरिया है, इस बैकवर्ड एरिया की गुर्बत को, बैकवर्डनेस को दूर करना है तो यहाँ की जनता में सियासी शो पैदा होना है। अब तक बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हमको इस्तेमाल करते आए, मगर हमारे जिले का डेवलपमेंट और विकास नहीं रहा। तो हम इस बात की पुरजोर उम्मीद करते हैं मैडम कि आप जब बेंगलुरु जाएंगे, स्टेट लेवल मीटिंग सुनेंगे, तो यकीनन आप बीदर जिले के डेवलपमेंट और विकास के लिए बात रखेंगे। और उसी तरह मोहम्मद असद साहब, जिनको रियासती स्पोक पर्सन बनाया गया है, ये भी एक काबिले तारीफ और बहुत बड़ा ओहदा है, जिसकी अहमियत यकीनन जो है ना, एक स्पोक पर्सन बोले तो आवाज होती है, एक आदमी नहीं एक स्पोक पर्सन जो है ना पूरे स्टेट की आवाज होती है, पूरी पार्टी की आवाज होती है। तो यकीनन हमें इस बात की खुशी है कि असद साहब जो है ना हमारी आवाज बनकर उभरेंगे और हमारी पार्टी को पूरे स्टेट में जो है ना पार्टी की अहमियत, आइडियोलॉजी पूरे जनता को मालूम हो, ताकि आपके कहने से आपकी जो विचारधारा है जब जनता देखेंगी तो यकीनन एक बहुत बड़ा जो है ना लोगों पर इम्पैक्ट होगा, असर पड़ेगा कि पार्टी क्या चाहती है, क्यों जेडीएस को साथ देना चाहिए, क्यों जेडीएस की सरकार बनना है। तो एक अहम आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है कुमार स्वामी साहब और बंडप्पा साहब वगैरह के और हमारे सीएम इब्राहिम साहब की तरफ से। हमें इस बात की उम्मीद है और हम भरोसा रखते हैं आप पर कि आपके खिदमत और जो है सोना हमारी पार्टी की मजबूती के लिए बेहतर होंगे। और उसी साथ साथ फिर एक बार मैं जो है सोना इस बात की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस बीदर जिले की तरफ, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ही कमजोर है। यहाँ पर पॉलिटिक्स को मजबूत करना है, यहाँ पे एक सियासी शोर पैदा करना है, सियासी बेदारी पैदा करना है, ताकि यहाँ की गुर्बत और बैकवर्डनेस को दूर किया जाए। इसके लिए आप बेहतर हमसे बेहतर जानते हैं, सीनियर लीडर है, हम तमाम नौजवानों के इश्यूज, मसाइल, डेवलपमेंट के लिए आप बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप आए, आप आपकी हमारे माइनॉरिटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे ऑफिस पे हमारे आई इंजीनियर मैडम जो स्टेट नायब सदर बनाया गया है, वो ये बीदर की खुशकिस्मत है कि ये एक्टिव मैडम है, इनको है ना एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में जनता दल कामयाब होंगी। और 123 जो मशीन चल रहा है, ये मशीन चालू है, इसीलिए काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। और हमारे असद बेग स्पोक का जो स्टेट का जो बनाया गया है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि काबिल इंसान है और उनको नॉलेज भी है, और लिहाजा इन अच्छे बुरे जो भी हमारी पार्टी का वर्क रहेगा इन पब्लिक तक पहुंचेंगे और इन एक्शन भी लेंगे इस बारे में। मैं हमारे जमीतुल कुरैश के जो सदर है सुलेमान साहब,
उन्होंने हमेशा हमारी जनता दल के साथ में रहे और हमारे लोगों के साथ में कदम पे कदम काम करते हैं। मैं हमारे गालिब हाशमी जो एक्स MLA जुल्फ़िकार हाशमी के भाई हैं मरहूम के, उन्होंने भी हमारी पार्टी में एक्टिव है और आने वाले दिन में बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे समद साहब और हमारे आबेद अली, वो भी बहुत एक्टिव आदमी हैं, उन्होंने हमेशा पार्टी में फेसबुक में बंडप्पा साहब के साथ में और काम करते हैं। और मैं नबी कुरैशी, मैं लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मैडम ललिता मैडम भी हमारा एक्स काउंसलर है और बेलोस पार्टी में काम करते आ रहे हैं, मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय जनता दल। मैं मोहम्मद असदुद्दीन, स्टेट स्पोक्स पर्सन जनता दल सेक्युलर कर्नाटका। आज माइनॉरिटी विंग बीदर का अपनी तरफ से और आइलिन जॉन मठपत्ती मैडम की तरफ से, जो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, इन दोनों की तरफ से माइनॉरिटी विंग का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुलाकर यहाँ पे हमें सम्मानित किया। और ये बीदर के लिए बड़े गर्व की बात है कि आइलिन जॉन मठपत्ती जैसी एक एक्सपीरियंस्ड लेडी को, जो लॉयल रही है पार्टी की, उनको स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये लॉयल्टी का रिवॉर्ड है और फ्यूचर में मुझे लगता है कि पार्टी ने और भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ देंगी। और मैं अपने बारे में बताऊं कि एज ए स्पोक्स पर्सन जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके लिए मैं HD देवेगौड़ा साहब का, कुमार स्वामी साहब का, तिप्पे स्वामी साहब MLC का, बंडप्पा कासिमपुर साहब का, जफरुल्ला खान साहब का और BM फारूक साहब के साथ साथ CM इब्राहिम साहब स्टेट प्रेसिडेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना जो है ना मुझ में भरोसा जताया। और मैं एक बात का आश्वासन तमाम को ये दे सकता हूँ कि सियासत में आने का मेरा जो मकसद था तकरीबन 10-11 साल पहले, वो मकसद बहुत ही सिंपल था कि दबी और कुचली हुई कम्युनिटीज़ जो बैकवर्ड हैं, उनको सियासत में और हुकूमत में मसावी हिस्सेदारी मिले, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपने लेवल पे कोशिश करना और काम करना, इस मकसद से आया था। इससे नम्म अल्पसंख्यात घटकद वतियिंद जिला अध्यक्ष आदंत नबी कुरैशी अवरे हागू नन्न सहोदर असदुद्दीन साहेबरे, ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಲಲಿತಾ ಅವರೇ, ಹಸ್ಮಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಮಾನಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ನಾವು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು, ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ CM ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 1-2-3 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಹಾಗೂ ಈಗಿರುವಂಥ ಪಂಚರತ್ನದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿನಿಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವುದು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದು, ಬಡವರಿಗೆ ಅತೀ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡಿದ್ದವರೇ ಇನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಡವನು ಬಡವನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಾರ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೇಮಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಬೀದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೋದ ಸಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಈ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಲ